नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme के X7 Pro 5G फ़ोन के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन की जो प्राइस है बहुत 30,000 रुपये, बट दोस्तों अभी जो आपको मिल जाएगा 25,800 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, 25,800 रुपये में आपको Realme का X7 Pro मिल रहा है। आप इसे 25,800 रुपये में कैसे कह सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन आपको क्यों लेना चाहिए और इस फ़ोन में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको वीडियो सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें जिससे आपसे कोई मिस्टेक हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Realme का X7 Pro जो 5G फ़ोन है, जो इंडिया के अंदर 30,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, और दोस्तों जिसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों एक 5G फ़ोन है और 5G प्रोसेसर है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस फ़ोन के कुछ फीचर के बारे में बताता हूँ, जिससे दोस्तों आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए वो आपको पता लग जाएगा। दोस्तों इस फोन डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें 6.5 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक IPS डिस्प्ले है। दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, MediaTek का Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर है। दोस्तों ये फ़ोन एक 5G फ़ोन है, भले ही इंडिया 5G नहीं आया, बट ये फ्यूचर वाला फ़ोन है। आप इसे जब 5G फोन 5G इंडिया में आएंगे तो आप इस फोन को यूज़ कर सकते हो। इस फोन दोस्तों कैमरे की बात करें तो इसके रियर में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का, वहीं दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों कैमरे भी इसके काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये फ्लेक्सी लेवल में फ़ोन आ जाता है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको शौक है वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, फोटो वगैरह खींचने का, तो आप इस फ़ोन से पूरा इन्जॉय कर सकते हो। दोस्तों अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो इसमें 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जिसके साथ दोस्तों आपको 65W का फास्ट चार्ज साथ में देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे से फीचर दिए गए हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, 120Hz का रिफ्रेश दिया गया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन आपको 25,800 रुपये में कैसे मिलेगा और दोस्तों ये डील क्यों अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट भी ऑफर चल रहा है, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा 26,999 रुपये का, यानी 27,000 रुपये का फ़ोन आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की सेल में। बट दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर आप इस फ़ोन को नो कॉस्ट EMI पर ख़रीदते हो, यानी दोस्तों आप इसे EMI पर ख़रीदते हो, कैश नहीं ख़रीदते, तो दोस्तों EMI पर आपको ये और कम का पड़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने HDFC बैंक डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करना है EMI वाला। जब आप इसे EMI से खरीदोगे, जब आप इसको EMI वाले ऑप्शन पे आगे परचेस करोगे, तो दोस्तों आपको 4300 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसे देने हैं, और 6 महीने तक आपको पैसे देने हैं, तो दोस्तों आपके 25,800 रुपये जाएंगे। तो आपको ये 25,800 रुपये का पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपको 25,800 रुपये 6 महीने के अंदर देने हैं, आपको कैश नहीं देने। तो दोस्तों अच्छी बात सिर्फ इसमें यह है कि आपको एक तो ये सस्ता मिल रहा है, ऊपर से आपको जो पेमेंट है वो 6 महीने में देना है किस्तों में डिवाइड करके। तो दोस्तों आपको अगर Realme का X7 Pro 5G फोन चाहिए तो आप इस फोन को इस ऑफर के साथ ले सकते हो। और दोस्तों ये जो ऑफर है ये 21 मई तक चलने वाला है, तो जो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर दिया गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आप लेना चाहो तो इसे देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।